आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड आज एक और निंदनीय घटना जो है वो हॉस्पिटल के अंदर घुसकर पर हमने चंद्रकांत जी को गोली मार दी है और उनके सब हत्या की गई है। हम सरकार से कहते हैं इस दौरान लगातार चैनलों के माध्यम से और पत्रचार के माध्यम से बता रही थी कि जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट है और यहाँ पर ऐसी घटनाएं जो है लक्ष्य के दौरान हो सकती है। पर सरकार में अपनी नाकामी आ रही है, बोल के लिए से पहले भी जब 2 नवंबर 2018 को हमारे नेता अनिल परिहार जी और अजीत परिहार की हत्या हुई तो उससे पहले सिक्योरिटी एजेंसी को खबर थी। मैं साफ कहता हूं कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसी के कारण से इस प्रकार का। लेकिन जो खबर मिली उसके मुताबिक उनको एक्स्ट्रा सुरक्षा जो है वो मांगी। 22 हमारे नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई। इसके अलावा हालात क्या चल रहे हैं इससे प्रशासन कहीं ना कहीं नावाकिफ है और इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को ऐसे भरमाना ऐसे बिना किसी कारण के शहादत नहीं होने देंगे और प्रशासन को ये समझना होगा अपनी मन मर्जी आपकी नहीं चलने वाली। लेकिन कमेंट जी दूसरी शक्तियाँ आज भी इस प्रकार के ये हालात खराब करना चाहती हैं, उनमें लोग कौन है ये इन सब को पता होता है, उनको जल्दी पकड़े। और आज जिस प्रकार से एक सुरक्षा में सीसीटीवी की तारें काटने का मजाक नहीं है तो मुझे लगता है कि प्लान साजिश के तहत ऐसा हुआ है। जो जो वहाँ पर अफसर इन्वॉल्व हैं इनको कहीं ना कहीं